Assalamualaikum. Okay, so आज है थर्सडे. यस, आज थर्सडे है और आज है पहला रोज़ा एंड आई गेस थर्ड ईयर हमारा थर्ड वीक. तो आज का सीन ये है कि नथिंग मच आज करना है. आज मैं अपनी ब्रांड न्यू सीट लेकर आया हूँ जो मैं व्लॉग के एंड में आप सबको दिखाऊंगा. इट्स एक्चुअली द सेम सीट जो मेरे पास है लेकिन इट्स इन बेटर कंडीशन. तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ टूवर्ड्स जो मेरी गाड़ी ग्राउंड पर आ रहा है. तो मैं नीचे जाकर आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ कि गाड़ी का क्या क्या हो गया है, क्या रह गया है. और या और हाँ, एक और बात, मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इसके बारे में. आई बॉट अ स्मॉल 50 Honda 50. इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट जो मैं रिस्टोर कर रहा हूँ. तो मैं उसका भी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पहुँची है, क्या है. ओके, सो दिस इज़ द बाइक. और ये मैंने बहुत एक्सट्रीमली चीप खरीदी है और इसके अंदर मैंने फ़िलहाल अभी तक जो काम करा है वो मैंने फ्रंट के इसके नए शॉकर्स चेंज करवाए हैं. मैंने नए शॉकर्स डलवाए हैं, इसकी हेडलाइट चेंज की है, इसके एग्जॉस्ट का फ्रंट बेंड किया है. एंड सो फार गाड़ी इज बाइक इज रनिंग, प्रॉपर कंडीशन में चल रही है. जस्ट नीड टू पेंट इंजन बनाना है इसका, क्योंकि इसका क्लच इज नॉट दैट गुड. और हाँ, स्पेशल थिंग इस बात में, इस बाइक में ये है कि इस बाइक में क्लच नहीं होता. तो इस बाइक में चार गियर होते हैं, जैसे 70 में नॉर्मल गियर्स लगाते हैं आप, वैसे गियर लगाएं. आप सिर्फ एक्सीलेटर इसको छोड़ें और गियर चेंज करें तो इसका गियर चेंज आता है, फिर वापसी रेस दें तो चलती है. और अगर आप गाड़ी बाइक को स्टॉप भी करते हैं तो आप जब रेस छोड़ते हैं तो बाइक आगे नहीं जाती, वहीं की रहती है. जब रेस देते हैं तो फिर आगे जाती है. तो इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक, बाइक में ऑटोमेटिक कराती है. तो मोर अपडेट ऑन दिस बाइक. अब डार्चन की तरफ चलते हैं. ये हमारे घर के पास एक गाड़ी आई हुई है, इट वाज टोटली पार्क्ड. आई डोंट नो, शायद ये बनाएंगे. ओके, सो ये डार्चन. और इसका मोस्टली सारा ग्राउंड का काम खत्म हो चुका है. और मसला ये है कि ये जो गाड़ी, जो गाड़ी का 70-80% गाड़ी का कोलिगेट का काम कम्प्लीट हो चुका है. इससे पीछे जितना भी है वो सब हो गया सवाई डाली के अंदर का. और जितना बोनेट फेंडर्स वो सब है वो हो गया है. फ्रंट जो दो बोनेट्स हैं वो हो चुके हैं और इंजन बे के अंदर का मोस्टली हो चुका है. लेकिन इस पर अभी भी एक बार अस्तर लगेगा और फिर एक बार कवरिंग होगी सारी चीज़ों की. एंड बोनेट लेफ्ट और सामने का जो फ्रंट एप्रन होता है वो रह गया. एंड ये शीट और ये छत हो गई है, दरवाजे हो गए. एरिया कम्प्लीट हो चुका है, इस तरफ से भी ये पूरा कम्प्लीट हो चुका है. बस अगले फेंडर्स को एक बार फिर से घिसाई करके सेट करना है. छोटे मोटे डिटेल्स हैं, टक ये लोग कहते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज में, इनके टक चेक करने हैं एक बार. और इसके अंदर का पूरा ग्राउंड बनाना है, कैबिन के अंदर का ग्राउंड बनाना है. और फिर मोस्टली विद इन दिस वीक, अगर बारिशें ज़्यादा नहीं होती तो ये गाड़ी कम्प्लीट हो जाएगी. और जब ये गाड़ी पूरी अस्तर हो जाएगी तो देन आई विल स्टार्ट विद द फ्रंट सस्पेंशन. मुझे फ्रंट सस्पेंशन में नए LCS लगाने हैं, न्यू नीचे लोअर कंट्रोल आर्म्स नए लगाने, जिसमें वो एक्सटेंडेड हो, क्योंकि आई नीड ड्रिफ्ट सेटअप. तो मुझे इट्स गोना बी अ ड्रिफ्ट सेटअप. तो मुझे कंट्रोल आर्म्स को बाहर लाना है एंड आई हैव पुट कैम्बर प्लेट सो आई कैन इंट्रोड्यूस कैम्बर टू माय फ्रंट सस्पेंशन फॉर बेटर हैंडलिंग. और कैस्टर आर्म्स भी इसके फ्रॉम स्क्रैच बनाने हैं मुझे जीरो से, सो आई कैन गैप हैव बेटर एडजस्टेबिलिटी. छत भी इसकी हो चुकी है. सो फार ये गाड़ी का ये अपडेट है. और आगे देखते हैं आज क्या होगा. तो इंजन की अपडेट ये है कि इंजन पूरा रिबिल्ड हो चुका है. हमने कुछ छोड़ा नहीं इंजन में, इसके पिसेस भी थोड़े से स्लाइटली बड़े लगे हैं. इसके जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स को भी सारा हमने थोड़ी पोर्ट पॉलिशिंग करवाई है. और न्यू कैम बैरिंग्स, न्यू क्रैंक बैरिंग्स, न्यू पिस्टन्स, न्यू रिंग्स और मोस्टली सब कुछ इसका साफ़ सुथरा करके लगाया. अभी फिनिशिंग से ही नहीं हुई, या फिर पेंट
दिस वाल्व कवर और उसकी फ्यूल ड्रेन भी सारी पेंट करनी है। इसका जनरेटर वो भी सारा रह गया पेंट करना। इसका जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसको भी हमने ब्राउन टाइप ब्राउन किया है। सून ये इंजन जब ग्राउंड मेरा रेडी हो जाएगा, इंजन पे का पेंट हो जाएगा तो इंजन में फिट करूँगा। एंड दिस इज द वायरिंग गाड़ी की जितनी भी है। ओके सो ये है मेरे घर के पास एक गाड़ी है, समझो ये मेरे डार्सन के साथ साथ ही बन रही थी। और ये समझे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या पूरी होगी ना, फैसल रेडी है। इसमें पेंट करना रह गया और इसके रिम्स रह गए। तो दिस इज द कार। ये भी डार्सन पिकअप ही है। ये मेरे ऑलमोस्ट सेम मॉडल है संभव। ये बंदा जो है ये रेड कराएगा, थोड़ा डार्क रेड होगा, ये वाला रेड नहीं होगा। इसका ग्राउंड सब कंप्लीट हो चुका है। इसके स्टीलीज वाले रिम लगेंगे हम लोग, इसको स्टीलीज वाले रिम लगाएंगे वाइट करके और आगे से इसको चौड़े करेंगे। और इसके अंदर प्लास्टिक वाले जो फेंडर फ्लेयर्स आते हैं ना, तो वो उसके ड्रिल बनाए हुए, ड्रिल के होल करके हम लोग प्लास्टिक वाले फेंडर फ्लेयर करेंगे। फैसल वो बोलना पड़ेगा। अभी इसका इंजन भी दिखा था, इंजन भी इसका काफ़ी बहुत क्लीन बना हुआ है। इंजन भी इसका पेंट वेंट किया हुआ सारा। ये अभी बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको वॉश किया था और बंदे ने सफाई सही से नहीं की, वरना पूरा डिटेल में क्लीन हुआ होगा। इसका इंजन में भी पूरा नीचे तक सब कुछ पेंट हुआ होगा। ये इसका ओरिजिनल इंजन होता है, जो जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरी वाली गाड़ी में भी ये वाला इंजन है। इसका नाम होता है A12। और ये समझे पूरी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में बनी हुई है। इवन इसका जो ये ब्रेक बूस्टर होता है, ये इन लोगों ने ब्रांड न्यू लेके इसका लगाया, तो पूरी गाड़ी फ्रॉम बोन स्टॉक है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुई। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो हम लोगों ने बनाई थी, ये नीचे का लिप है, ये कस्टम हम लोगों ने बनाया था। दिस वेल्ड ऑन, बोल्ट ऑन भी बन जाता है, वेल्ड ऑन भी बन जाता है, बट इन लोगों ने वेल्ड ऑन वाला बनाया बिकॉज दे वॉन्टेड अ परमानेंट लुक। सही है। ओके सो दिस इज द न्यू सीट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सीट इज 10/10 कंडीशन। बस ये इसका नेट जो है ये खराब है, उन्होंने भी स्टिचिंग इज वेरी गुड, सब कुछ क्लीन है। ओके सो आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ थ्रू आउट द डे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कैमरा था इट डाइड, सो दिस इज गोना बी द एंड ऑफ द व्लॉग।